हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्जाम कंपटीशन। दोस्तों, यूपी डीएलएड बीडीसी 2019 में जो आपका काउंसलिंग, जो आपने फॉर्म भरा था, उसको काउंसलिंग कैसे करना है और रैंक कैसे अपना चेक करना है, और वो अभ्यर्थी जिनका 2,50,000 से ज़्यादा रैंक आ रहा है, वो लोग क्या करना है, उनको कैसे कॉलेज मिलेगा और कॉलेज आपको कैसे लॉक करना है, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो आप पूरी वीडियो देखें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अपना पहले काउंसलिंग कैसे चेक करें, रैंक कैसे चेक करें, 2,50,000 से ज़्यादा रैंक वाले अभ्यर्थी क्या करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका जो फॉर्म वगैरह निकला था, इसको सारी डिटेल्स आप जान ही रहे हैं। जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो गई है। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग क्या कराना है, आपको टॉप 10 कॉलेज के नाम देने हैं। मैं आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2019 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने वेट सेकिंग सापेक्ष आवंटित संस्थान में अभिलेख चार्ज प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय सारणी है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है कि स्टेट रैंक क्या है, संस्था का विकल्प भरने की तिथि जो है कि आपको 17 जुलाई 2019 साय मतलब शाम से लेकर 19 जुलाई तक आपको जिनका रैंक मतलब 1 से लेकर 25,000 तक आ रहा है, वो 19 जुलाई तक ये उसको काउंसलिंग करा लें। और जो इनकी संख्या आवंटन मतलब कि प्रकाशित होने की तिथि है, अगर आप 10 कॉलेज के नाम डालेंगे वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और देखिए, जो जिनका रैंक 25,000 से लेकर 1,15,000 तक के हैं, उनको 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के बीच में आपके ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है, जो कि उनका 25 जुलाई को जो कॉलेज आपको मिलेंगे उनको एक कॉलेज मिलेगा, उस पर आपको आवंटित कराना है। और देखिए दोस्तों, 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के 1,15,000 से लेकर 2,50,000 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्हें और जिनका छूट गया है 1 व 2 में, वो तीसरी काउंसलिंग में, देखिए आपको जो काउंसलिंग है, 3 काउंसलिंग है अभी। पहली है 1,00,000 से लेकर 1,25,000, दूसरी जो है 25,000 से लेकर 1,15,000, जो तीसरी काउंसलिंग है 1,15,000 से लेकर 2,50,000 तक के बीच में, जिनका पहले और दूसरे काउंसलिंग में छूट गया है, वो तीसरी काउंसलिंग में करा सकते हैं। जो तीसरी काउंसलिंग डेट है वो 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक है, और जो कि 31 जुलाई को इनका रिजल्ट अवेंडेड कर दिया जाएगा। इसमें देखिए आपको काउंसलिंग कैसे कराना है। देखिए आपको जो पहले तो जो 25 कॉलेज हैं स्टेट रैंक के हैं, स्टेट रैंक के जो कॉलेज हैं इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक। जो कोई सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग होती है, इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, निजी कॉलेज मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि जो आपको नियर बाई कॉलेज लगे उसमें फिर 10 कॉलेज के नाम लिखना है, देना है आपको काउंसलिंग में 10 कॉलेज के नाम जो आपको नज़दीक लगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कॉलेज वही निकलते हैं जो पहले और दूसरे ऑप्शन रहते हैं, जो डालते हैं आप वो दो कॉलेज निकलने के 100% चांस रहते हैं, और ज़्यादातर पहले चांस जो पहला कॉलेज डालते हैं उसके चांस ज़्यादा बनते हैं। तो आपको 10 कॉलेज डालने हैं, 10 कॉलेज डालने के बाद आपको एक कॉलेज मिलेंगे 25 तारीख, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा वहाँ से चेक करेंगे, आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। उस कॉलेज को आपको लॉक कराना होता है, लॉक कराने के लिए आपको 10,000 रुपये की पेमेंट करनी होती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी के मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण आवंटित संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश की कार्रवाई के लिए आवंटन पत्र प्रिंट करने हेतु को 10,000 रुपये का भुगतान वेबसाइट पर व्यवसायी के द्वारा किया जाए माध्यम से निर्धारित शुल्क उसी दिन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपली बता दूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपको जब 10 मान लीजिए आपने 1 से 10 कॉलेज डाले हैं, उसमें से आपको एक कॉलेज मिल गया है, जो आप पसंद कॉलेज है आपको उसमें से कॉलेज मिल गया, 10 में से एक कॉलेज मिल गया है, उस कॉलेज को आपको 10,000 रुपये की, जो पहला कॉलेज है उसको आपको एक ही कॉलेज 10,000 रुपये की
पेमेंट करने है कि वो कॉलेज आपका लॉक हो जाएगा, वो कॉलेज आपको लॉक हो जाएगा। और दोस्तों एक बात है, ये जो 10 हज़ार जो पेमेंट आप करेंगे, 10 हज़ार पेमेंट ये किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगा, इतना आप नोट कर लीजिए। जो आप कॉलेज ला करा देंगे एक बार, वो कॉलेज लॉक आपका हो जाएगा आपके नाम से, और वो पैसा आप अगर आप चाहेंगे रिफंड हो, रिफंड नहीं होगा। दोस्तों इसमें DD की हम बात करते हैं, DD जो है इसमें आपकी 41 हज़ार DD लगती है, इसमें जो है कि 41 हज़ार की DD लगती है, जो कि आपको कॉलेज का लॉक, कॉलेज जब लॉक करते हैं तो उसमें 10 हज़ार रुपये देते हैं, ठीक, और बचा आपका 31 हज़ार रुपये। 31 हज़ार रुपये आपको कॉलेज पे पेमेंट करनी होती है, आपका 31 हज़ार का DD बनवा लें और 31 हज़ार का DD आपको बनवा कर कॉलेज पे देना, 41 हज़ार का DD न बनवाएं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको पूरी, दोस्तों देखिए अगर आपको अपना रैंक चेक करना है तो आप यहाँ पे अपना रैंक चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे डी डाल दें आप, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे कैप्चर करके अपना यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका जो रैंक स्टेट रैंक है वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आपको मैंने बताया कॉलेज जो है कि आप लॉक करा लें, मतलब कि आप जो 10 कॉलेज देंगे, 10 कॉलेज में से आपका एक कॉलेज निकलेगा, और जो 24 कॉलेज आपका होगा, और 24 कॉलेज को 10 हज़ार रुपये देकर, 24 कॉलेज को जो है कि आपको 10 हज़ार रुपये देकर वहाँ से आपको लॉक करा लेना है। लॉक कराने के बाद आपको 31 हज़ार की DD बनवा कर अपने कॉलेज पर जमा कर देना है, और अपने जो कॉलेज में दस्तावेज वगैरह चाहिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, और आपको बता दूंगा कि मतलब कि आपको जो प्रीवियस लेते समय आपको क्या 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 अपने कॉलेज में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।